दोस्तों नमस्कार, एचआरआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईवीएम में हो सकता है बड़ा घोटाला। राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 साल तक चल सकता है किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने। दिवाली के मौके पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांगे आसानी से पूरी नहीं होंगी जब तक ईवीएम है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, लेकिन कम से कम इसमें 5 साल का समय लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक जनता का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ईवीएम के सहारे ही चुनाव जीतती है। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर दिवाली के दिन ये बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को याद किया और कहा कि यह आंदोलन आने वाले 5 साल तक भी चल सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को सिर्फ ईवीएम का सहारा है, इसीलिए केंद्र सरकार किसानों और जनता की मांगों को अस्वीकार करती है। और कोई सरकार होती तो अब तक किसानों के आगे घुटने टेक चुकी होती। देख सकते हैं दोस्तों, राकेश टिकैत ने ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही है। अगर आप लोग भी ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के